नमस्कार दोस्तों, मैं आदम सूरी है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। सुबह सुबह 9 बजे का वक्त है दोस्तों, मेरी जो साख खुली है और मैं जो खबर आपको बताने वाला हूँ ये खबर आपके दिल के तारों तक पहुंचेगी और आपको बहुत तकलीफ देने वाली दोस्तों, क्योंकि ये खबर वाकई में इस जून, पहली जून की शुरुआत के हिसाब से बहुत बुरी खबर है। जी हाँ दोस्तों, साजिद वाजिद मशहूर जो म्यूजिक डायरेक्टर है उनमें से, उन जोड़ी में से वाजिद की मौत हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये खबर देर रात को सामने आया और ये खबर जैसे ही सामने आई लोग हक्के बक्के रह गए, क्योंकि आपको बता दूं साजिद और वाजिद दोनों ने मिलकर म्यूजिक कंपोज किया था सलमान खान के प्यार करोना गाने को, गाने में और भाई भे गाने में जो रिलीज हुआ था, जिनके रिव्यूज हमने दिए थे। और यहाँ पर आखिर क्या वजह रही कि कुछ करीबन 40 साल के आसपास की उम्र में चल बसे वाजिद जी। तो आपको बता दो, किडनी इन्फेक्शन उन्हें हो गया था, उसके पहले कुछ बॉडी ट्रांसप्लांट का, कुछ पार्ट बॉडी का ट्रांसप्लांट किया गया था, तो उसका इन्फेक्शन की वजह से उनकी जो हालत है वो खराब होने लगी और धीरे धीरे जो चैम्बूर के अस्पताल में भर्ती थे उससे वो निकल नहीं पाए और उसके बाद अकस्मात उनकी मौत हो गई। जरूर कुछ लोगों ने जरूर कहा कोरोना वायरस का ऐसा वो सब, अभी तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो किडनी डिसऑर्डर की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से स्पेशली उनकी मौत हो चुकी है। बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी, लगभग 40 के आसपास की उम्र थी। और ऐसे में अगर इस तरह की चीजें अगर हो रही तो विश्वास ही नहीं होता है कि किसकी लाइफ कब तक होगी और कब तक कौन जिएगा, क्योंकि बहुत ही कम उम्र थी दोस्तों। सलमान खान ने मौका दिया था प्यार किया तो डरना क्या में इन दोनों डुओ को म्यूजिक के लिए, उसके बाद इन्होंने दबंग फ्रेंचाइजी हो, टाइगर एक था टाइगर हो, कई सारी फिल्मों में सलमान खान के लिए गाना कंपोज किया है, प्यार किया तो डरना क्या के बाद, तुमको ना भूल पाएंगे, गर्ल, तेरे नाम, पार्टनर, बहुत सारी मतलब फिल्मों के लिए किया था, स्पेशली दबंग फ्रेंचाइजी। और इसके अलावा वाजिद जिनकी मौत हुई उन्होंने सलमान खान के लिए मेरा ही जलवा, फेविकॉल से ऐसे कई सारे गाने भी गाए थे, इवन अक्षय कुमार के लिए चिंता था, चिता थी, चिता चिंता था, वो गाना भी गाया था। तो एक बहुत ही अपसेट कर देने वाली न्यूज है दोस्तों, इस तरह की न्यूज सुन के कसम से ना इस साल का मुझे कोई प्यार नहीं इस साल से, क्योंकि इस साल कुछ चीजें मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से, किसी के हिसाब से नहीं हो रही है। हमारे इरफान खान सर भी चले गए, हमारे ऋषि कपूर सर भी चले गए, हमारे अब वाजिद सर भी चले गए, इस तरह से लोग इस दुनिया से रुखसत ले रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया दोस्तों। और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, यही हम कहेंगे। और ये एक बहुत बड़ा लॉस है, बहुत 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 बड़ा लॉस है, क्योंकि दोनों अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर थे। इट्स अ बिग लॉस। बाय बाय।